बहुत मस्त लगी, अच्छी लगी वीडियो मूवी अच्छी लगी हम लोग को, और उसमें जो सस्पेंस था वो भी मालूम पड़ गया जो बच्चे का था। सो काफ़ी अच्छी मूवी है, मैं तो ये कहूँगा कि आप भी देखें, अपनी फैमिली के साथ देखें, बड़ी अच्छी मूवी थी। भाई आयुष शर्मा की एक्टिंग मस्त लगी उसमें, क्योंकि वो पहली बार एक विलन के रोल में निकल के आए सामने, और उनकी एक्टिंग तो काफ़ी मस्त लगी हमें। पहली बार सलमान भाई का लुक, भाई जाने वो हिंदुस्तान के भाई है जैसा बोले उन्होंने पिक्चर में, काफ़ी अच्छा लगा उनका लुक भी, और पूरी डिपेंड की वो सीख के ऊपर वो जो बना है, पूरी मस्त मूवी लगी। उनका डेब्यू भी अच्छा लगा, लेकिन उनका काफ़ी टाइम का रोल नहीं दिखाया, मेन सीन था फाइटिंग का, और वो 5 out of 5। सर मुझे बहुत पसंद आई, सर मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी, बहुत बेहतरीन मूवी है, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। एक्चुअली मैंने मराठी मुंशीपन देखा है, और एज ए कंपेयर बहुत अच्छी बनाया, संजय मांजरेकर ने बहुत अच्छी क्या बोलते डायरेक्शन दी है, सलमान सर का गेटअप बहुत है, भाईजान का गेटअप बहुत अच्छा है, आयुष सर ने जो एक्टिंग करी है उसने पूरा फुल पंच दिया, मतलब पूरा 100% दिया है। यू कांट से दैट कि उसने, आयुष शर्मा की सेकंड मूवी है, द फर्स्ट मूवी ऑल्सो मैंने आई सीन दैट, द सेकंड दिस इज द सेकंड मूवी एज ए विलन, सो यू कांट से दैट कि उसने विलन में एक्टिंग अच्छी, बहुत बेहतरीन एक्टिंग करी है। अरे बोरे सर उसकी बॉडी देखे मुझको क्या यंग सलमान खान याद आ रहे हैं। नहीं 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 बहुत बेहतरीन है सर, एक्चुअली ये लोग कंपेयर कर रहे थे, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा, सलमान सर भाईजान की जो एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और ऐसे गेटअप बहुत अच्छे थे, और मूवी बहुत अच्छी है। यू कैन से दैट इफ़ कुछ आप कहें कि फिल्म में कुछ कमी है, या मैं आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है, पंच बहुत अच्छे है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा दिया है, और एज ए सलमान खान की एज ए निगाह हुआ कि पॉजिटिव रोल मुझे बहुत पसंद आया एज ए इंस्पेक्टर। सो महिमा का डेब्यू मूवी था, ठीक है सर, आई एम नॉट एक्चुअली लुकिंग महिमा मकवाना को मैंने इतना ध्यान नहीं दिया है, लेकिन छोटा सा रोल है, बट मुझे स्पेशली आई एम जस्ट कमिंग फॉर आयुष शर्मा एंड सलमान खान। सर मैं 10 दूंगा, इफ़ यू नीड दैट आई विल गेट द 10, बिकॉज स्टोरी लाइन आप यू कांट से दैट इफ़ यू गोइंग टू वॉच द मूवी इनसाइड द थिएटर एंड यू लुकिंग द स्टोरी लाइन, बिकॉज यू कैन से दैट कि आप 5 out of 3 4 ऐसा, आई एम जस्ट लुकिंग द 5 out of 5 दूंगा। बहुत अच्छी फिल्म है, आप कंपेरिजन नहीं कर सकते, फिल्म की स्टोरी लाइन बहुत पंच है। मैंने मुंशी पाटन देखा है ऑलरेडी, मैं बगितला मराठी मूवी मुंशी पाटन, तो मतलब माहिती है सर्वन ये स्टोरी का है, होती पन का है, क्या बोलते पंच तो मैंने देखना चाहता था अंतिम मूवी, इसके लिए मैं आया, और स्पेशली आयुष शर्मा को देखने आया था, बिकॉज इज द सेकेंड मूवी है, और सलमान भाईजान को तो हमेशा हम लोग देखते चले आए हैं सालों से, तो आप अगर उसकी बॉडी देखोगे आयुष शर्मा की, तो आपको क्या यंग 90 के 95 के ज़माने के सलमान खान नज़र आएंगे आप। ओवरऑल मूवी इज लाइक सलमान खान का जो दिखाया है, सपोर्टिंग रोल दिखाया है, सलमान खान ने कुछ हट के अलग रोल किया है, इज़ नॉट लाइक अ हीरो, एक कैरेक्टर प्ले किया है, एक हट्टा कट्टा सिख प्योर पहलवान जैसे वॉरियर जो हमारे जो जवान जो खड़े रहते हैं, आयुष शर्मा का दिखाया एक फैमिली का जो उनका दिखाया किसान के जो ज़मीन हटिया लेते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून बिल्डर्स ज़मीन हटिया के सब हड़प लेते, तो उसमें दिखाया कि वो बहक जाता है, गलत रास्ते पे चले जाता है, जैसे वास्तव में संजय दत्त का जो दिखाया, बिगू माते का जो दिखाया, ऐसे जो बहक जाते हैं वैसे भी वही घूम फिर के वही प्लॉट दिखाया बस, लेकिन अपर स्टैंडर्ड का। इसमें आयुष शर्मा का लुक और उनकी एक्टिंग की क्या बात है? आयुष शर्मा स्टैंड ऑफ ने उसने काफ़ी अच्छा किया है, बहुत अच्छी तरह से एक्टिंग किया, जो उनके जो डैडी है उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से रोल प्ले किया है। ओवरऑल जो मनोज मांजरेकर के पास एक पहले से ही मूवी ऑलरेडी ये डिलीवर था, उनको सिर्फ पैकेज एडअप कर रहा था हिंदी में, उसमें जो मराठी डांस है, जो मराठी जो हम लोग माउली जो डांस करते हैं, जो उसमें काफ़ी अच्छी तरह से प्ले किया, गणपति का जो सॉन्ग है, सलमान खान के सरदार को क्या कहते हैं? ओ सलमान खान सरदार मुझे लग रहा है वो सरदार सर कोई और लुक में है, पक्का सरदार देखे जो बाइक चला रहा, तशन वशन जो दिखा रहा, एक्शन सीन 5 out of 3.5, इट्स अ रियली गुड मूवी। 2021 का ब्लॉकबस्टर आ गया भाई, इज बैक आफ्टर 2 ईयर्स। पिछले बार उनकी मूवी थिएटर्स में देखी थी दबंग 3, फिर से अंतिम में मतलब कोप यूनिवर्स का रोल कर रहे हैं वो पंजाब, राजवीर सिंह, मतलब कि फाड़ू मूवी बोल सकते हैं। ओके सो आयुष शर्मा का लुक और उनकी एक्टिंग कैसी लगी? मतलब सेकंड मूवी थी उनकी, आयुष शर्मा मतलब कि सरप्राइजिंग रोल उनका, आप ना बोले तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनका रोल बोले तो इतना अच्छे से वो रोल को निभाएंगे, बोले तो गैंगस्टर का रोल कर रहे हैं वो, मतलब कि उन्होंने जो गैंगस्टर का रोल प्ले किया ना यार, मतलब कि दिल को उन्होंने छू लिया, क्या डायलॉग डिलीवरी, गुस्सा, मतलब कि मजा आ गया। ओके सो सलमान खान का सरदार लुक कैसा लगा? सुपर्ब है भाई का लुक, जो सरदार क्यूट हैंडसम दिख रहे थे, बहुत खूबसूरत भी दिख रहे थे, मतलब भाई को तो बोलूंगा यार ऐसे ही डिफरेंट रोल करो आप। ओके सो महिमा की पहली मूवी थी तो कैसा लगा? ओके ओके काम था उनका, ज़्यादा काम नहीं दिया गया है उनको, लेकिन उनका काम जो था ओके ओके है,
अच्छे काम किए उन्होंने भी ठीक ठाक किए। 4 स्टार दूंगा मैं। मूवी बहुत अच्छी, आई एम अ सलमान फैन सो हाँ सलमान के लिए। आयुष शर्मा का गैंगस्टर लुक कैसा लगा? बहुत सुपर्ब उनके लिए, तो मैं ऑसम मतलब उनके लिए एक बेंचमार्क होगा, सो आई जस्ट लव दिस एक्टिंग। उनके प्रीवियस इतना मुझे अच्छा नहीं लगा था, बट ये आज देखिए जो उनका विलन का उन्होंने कैरेक्टर प्ले करा था ना, इट वॉज सुपर आउटस्टैंडिंग। शी वॉज वेरी क्यूट, मुझे अच्छी लगी उनकी एक्टिंग भी। 4 out of 5। अंतिम द फाइनल ट्रू, जैसे आपने देखा कि मूवी का जो नाम है वैसी मूवी है, मतलब जब आप निकलते हैं, जब मूवी का अंत होता है तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान भी रहेगी और कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे एक इमोशन भी रहेगा, क्योंकि मूवी लास्ट में थोड़ा सा इमोशन कर गई है। और ज़बरदस्त मूवी है, आप देख सकते हैं मूवी को, आप अगर 2-3 बार भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं मूवी, एक एंटरटेनिंग पैकेज है। आयुष शर्मा की सेकेंड मूवी और फर्स्ट एज नेगेटिव किरदार, तो उनका नेगेटिव किरदार कैसा लगा और एक्टिंग कैसी लगी? मुझे नेगेटिव किरदार ज़्यादा अच्छा लगा। उनकी फर्स्ट मूवी जो मैंने देखी तो उसमें भी एक्टिंग उनकी ठीक थी, बट एक ऑन एन एवरेज थी, लेकिन इसमें शायद उनके लीक से हट करके उनको रोल मिला और उन्होंने उस रोल को पूरी तरीके से जस्टिफाई किया। ओके, सो सलमान खान का सरदार लुक और उनकी एक्टिंग कैसी लगी? सलमान खान का किसी भी रोल में आ जाए, सलमान खान अच्छे ही लगते हैं, चाहे वो सरदार लुक में हो, चाहे वो किसी और लुक में हो, दबंग में हो, लेकिन ये जो कॉप है थोड़ा सा अलग है। इस कॉप में थोड़ी सी ये अलग है कि ये बातें ज़्यादा नहीं करता, एक्शन पे ज़्यादा बिलीव करता है। ओके, सो महिमा की डेब्यू मूवी थी, तो क्या बोलूँ, महिमा की अच्छी एक्टिंग है, ऑन एन एवरेज बेस्ट, 5 out of 5 बेस्ट मूवी है। भाई अंतिम द फाइनल टूर देखी, फिल्म अच्छी लगी और महेश मांजरेकर सर का जो डायरेक्शन है, उन्होंने जो जिस तरीके से मूवी को बनाया, जिस तरीके से किरदारों को लेकर चले, बहुत बेटर। ओके, आयुष शर्मा की सेकेंड मूवी थी और एज अ गैंगस्टर लुक और एक्टिंग और गैंगस्टर लुक कैसा लगा? अगर आयुष की बात करें तो भाई सबसे पहले ये कहूँगा कि बॉलीवुड को एक नया स्टार मिल चुका है समझो, मतलब यंग जनरेशन में, क्योंकि पहले उसकी फिल्म आई थी लव यात्री, उसको देखते हुए इसमें तो बिल्कुल अपोजिट ही किरदार उसका हो गया है कि भाई वाला किरदार निभाया उसने, और भाई वाले किरदार में वो लगा ही नहीं कि इस तरीके से कर पाता, बट उसकी एक एक चीज़ बड़ा, एक एक डायलॉग, एक एक स्टेप, और जिस तरीके से उसके रिएक्शन रहे हैं पूरी फिल्म के अंदर, जिस तरीके से सलमान का और उसका आमना सामना हुआ, बहुत बेटर थे। सलमान खान के सरदार लुक कैसा लगा? भाईजान का तो वैसे ही दमदार है, उनका तो लुक जो सरदार वाला और दाढ़ी वाला जो लुक था वो तो। महिमा का डेब्यू मूवी था तो वो कैसा? महिमा है किरदार है, बट उसका ज़्यादा इतना नहीं है, महिमा का भी लगा छोटा सा रोल है, इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन मैं 3.5 दूंगा।